प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा की विज्ञान का चैप्टर विद्युत शुरू करने जा रहे हैं। विद्युत चैप्टर में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। अब देखिए विद्युत आवेशों आवेश क्या होता है ये समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कोई प्लास्टिक का छोटा सा पैन है और ये मेरे पास कागज के छोटे छोटे पीसेस पड़े हैं। मैं इस पैन को इस कागज के टुकड़ों के पास ले के आता हूँ, देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं जब इस पैन को मेरे सूखे बालों के साथ रगड़ करके इनके पास ले के आता हूँ तो देखना क्या होता है। जस्ट एक मिनट में रगड़ता हूँ, इसको रगड़ने के बाद देखिए ये कागज के छोटे पीस जो है इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ओके, तो आखिर क्या, तो देखिए अब हम ये जानते हैं कि इस पेन को बालों के साथ रगड़ने के बाद ऐसा क्या हुआ कि इसने कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। अब देखिए कि जैसे बालों के साथ इससे रगड़ने पर पेन और बालों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो गया। इलेक्ट्रॉन का नाम तो आपने सुना ही होगा कि परमाणु का एक मूल कण होता है जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो मैं अभी इलेक्ट्रॉन की डिटेल में नहीं जाता, फिर भी आप समझ लीजिए कि एक इसका कोई मूल कण होता है। तो उस इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण जो है पेन पर क्या आ गया, आवेश आ गया, और उसी आवेश के कारण जो है इसने कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। अब देखिए वैसे तो विद्युत आवेश की परिभाषा देना मुश्किल है एग्जैक्ट, तो लेकिन जो हमारे 10th क्लास के लेवल में जो परिभाषा आती है वो मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि आवेश जो है पदार्थ का एक गुण है। जो पदार्थों को आपस में रगड़ दिया जाए तो उन पर परस्पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप उस पर आ जाता है। ओके, तो देखिए मैंने आपको बताया है कि आवेश पदार्थ का एक गुण है। जो पदार्थों को आपस में रगड़ दिया जाए तो उन पर उनमें परस्पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप उन पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। ओके, अब देखिए कि एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने विद्युत आवेशों के प्रकार के बारे में बताया था कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। उन्होंने बताया था कि विद्युत आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो धन आवेश और एक ऋण आवेश। कौन कौन से होते हैं, एक तो धन आवेश और एक ऋण आवेश। धन आवेश को धनावेश भी कह देते हैं, इसको ऋणावेश भी कह देते हैं, ठीक। अब ये धन आवेश क्या होता है और ऋण आवेश क्या होता है। अब देखिए कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कि एक कांच की छड़ है, क्या है ये, कांच की छड़, ठीक। और ये हमारे पास एक रेशम का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा। यदि हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़े तो फिर वही कहानी होगी जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि ये कागज के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करने लग जाएगा कांच की छड़। तो इसका मतलब कांच की छड़ आवेशित होगी। तो जिस प्रकार का आवेश कांच की छड़ पर आएगा वो आवेश क्या है, धन आवेश है। ओके, और जिस समय ये छड़ धन आवेशित होती है उससे उल्टा आवेश जो है इस कपड़े पर आ जाएगा। तो ये जो आवेश आया है ये कैसा है, ऋण आवेश, ठीक। तो हम धन आवेश की परिभाषा इस तरह से देंगे कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो जिस प्रकार का आवेश कांच की छड़ पर आता है उसे हम क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। और ऋण आवेश की परिभाषा किस तरह से दी जाती है कि जैसे हमारे पास ये एक एबोनाइट की छड़ है,
एबोनाइट की छड़। एबोनाइट एक पदार्थ होता है जिसको आप अपने स्कूल की साइंस लैब में देख सकते हैं। एबोनाइट की छड़ को अगर आप ऊन के साथ रगड़ें, किसके साथ रगड़ें, ऊन के साथ रगड़ें, तो जिस प्रकार का आवेश एबोनाइट की छड़ पर आता है वो ऋणावेश होगा। तो ये क्या है? ऋणावेश। तो ऋणावेश की अगर हमें परिभाषा देनी हो तो हम ये कहेंगे कि जब एबोनाइट की छड़ को ऊन के साथ रगड़ा जाता है तो जिस प्रकार का आवेश एबोनाइट की छड़ पर आता है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। तो देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दिया है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है? जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने से जिस प्रकार का आवेश कांच की छड़ पर आता है वो धन आवेश है। और इसी तरह से एबोनाइट की छड़ को ऊन के साथ रगड़ने पर जिस प्रकार का आवेश एबोनाइट की छड़ पर आता है वो क्या कहलाता है? ऋण आवेश कहलाता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि आवेश जो है दो तरह के होते हैं। अब विद्युत आवेशों के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अब देखिए, आवेशों के प्रकार यानी धन आवेश और ऋण आवेशों के बारे में जानने के बाद हम विद्युत आवेशों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों आवेश धनात्मक है तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे और ऋणात्मक है तो भी एक दूसरे को दूर भगाएंगे। दूर भगाने को विज्ञान की भाषा में कहते हैं प्रतिकर्षित करना, प्रतिकर्षित करना। तो समान अगर आवेश है, समान मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे? समान आवेश प्रतिकर्षित करेंगे। ये इसका पहली मेन बात है। दूसरी, अगर विपरीत आवेश है यानी एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी विपरीत आवेश क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ओके, और आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलाम है। ओके, एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है। और कूलाम को हम अंग्रेजी के अक्षर सी से, कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं, ऐसे, ये कूलाम है। ओके, और इसके अलावा जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन जैसे आपको पता ही है, जस्ट एक मिनट में बता देता हूँ, मैं डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा, कि हर एक पदार्थ आपको पता है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। सबसे छोटा जो कण है जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है वो परमाणु है। क्या है वो? परमाणु। और परमाणु में आपको पता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पर धन आवेश, न्यूट्रॉन पर कावी आवेश ने, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होते हैं। ठीक, तो मैं इस कण की बात करता हूं जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ऐसा आपने रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उसको हम ई से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो लगभग 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कितना होता है? 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है। ठीक, अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम में तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक में हो जाएगा 1/1
1.6 × 10⁻¹⁹ तो देखिए यहां पर ये आ जाएगा 1/1.6 × 10⁻¹⁹ को ऊपर लेके आएंगे 10⁻⁶ हो जाएगा। जब 1 को 1.6 से हम भाग देंगे तो ये आएगा 0.6 × 10⁻¹⁹ ये कितना हो गया 19। अब ये एक पॉइंट अगर आप आगे लेके जाओ तो 6.24 × 10⁻¹⁸। ओके, क्योंकि यहां से एक पॉइंट आप आगे लेके गए हो, इसका मतलब 10⁻¹⁹ का मतलब क्या है 10 × 10⁻¹⁸, क्योंकि 18 और 1 19 होगी। तो मैंने पहले क्या किया है कि इसको 18 × 10 लिख लिया है, 10 इधर गुणा करेंगे तो ये एक पॉइंट आगे आ जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि एक कूलाम जो है वो 6.24 × 10⁻¹⁸ इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ठीक, यानी इतने इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश मिलकर के क्या बनाता है, एक कूलाम बनाता है। तो आपने ये दोनों वैल्यूज अच्छे से याद रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है, और एक कूलाम आवेश में जो है कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है, 6.24 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो विद्युत आवेशों के बारे में जो हमने महत्वपूर्ण बातें पढ़ी है वो अभी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चाहो तो आप यहाँ पर छोटे छोटे चित्र बना सकते हो अपनी याददाश्त के लिए। कई बार जो हमने नोट्स में चित्र बनाए होते हैं उनसे वो चीजें आसानी से याद रह जाती हैं, और विपरीत आवेश जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और कूलाम का जो एसआई आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, कूलाम है। और एक कूलाम में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.242 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। ओके, अब आगे हम जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। अब देखिए विद्युत धारा और विभवांतर दो टॉपिक इसमें चैप्टर में स्टार्टिंग में आ रहे हैं हमारे पास। तो बहुत सारे बच्चे जो है इनमें कन्फ्यूज रहते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है और विभवांतर क्या होता है। कई बच्चों की इनकी डेफिनेशंस भी याद हो जाती है लेकिन वो समझ नहीं पाते। इसको चलो मैं एक देसी तरीके से समझाता हूँ, जो बुक में तो नहीं लिखा लेकिन आप उसके साथ समानता जो है वो मिला सकते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास ये एक पानी की पाइप है। ओके, तो इसमें ये पानी की बूंदे हैं, ये इसमें फ्लो कर रही है, बह रही है। ठीक, तो सॉरी ये थोड़ा सा बड़ा बन गया। तो ये पानी की बूंदे जैसे यहां पर बह रही है तो यहां पर जैसे पानी की धारा बन जाती है, पानी की धारा बन जाती है। ठीक उसी तरह से किसी तार में से या किसी अन्य चालक में से अगर आवेश बहे, क्या बहने लग जाए, विद्युत आवेश अगर इसके अंदर से बहने लग जाए तो यहां पर क्या बन जाती है, विद्युत धारा बन जाती है। ओके, क्या बन जाती है, विद्युत धारा बन जाती है। अब देखिए कि विद्युत आवेश पानी की तरह से तो नहीं बहते, इसका थोड़ा सा तरीका अलग होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर आप एक समानता अगर आप देखेंगे तो आपको जो कंसेप्ट है वो समझ आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर पानी के दोनों लेवल एक ही ऊंचाई पर हो तो क्या पानी बहेगा, सिंपल सी बात है कि नहीं बहेगा। एक थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए लेवल, एक नीचे होना चाहिए, या यहाँ पर कोई मोटर वगैरह लगी होनी चाहिए जो पानी को एक तरफ से धकेल रही हो। तो यानी कोई ना कोई ऐसा, जैसे यानी यहाँ पर जो पानी का कण है वो थोड़ा सा ऊंचाई पर है, यहाँ जो पानी का कण है वो कम ऊंचाई पर है, और सीधी सी बात है कि यहां पर इसकी जो
पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम है। एमजीएच के नाम से आपने 9वीं क्लास में पढ़ा है कि यहाँ पर इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो ज्यादा है, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कम है। तो इसका मतलब यहाँ से कुछ ऊर्जा मिली उसकी वजह से ही नीचे की तरफ आया। तो जैसे इन दोनों सिरों के बीच में ऊंचाई का अंतर है, ऊर्जा का अंतर है, उसी की वजह से यहाँ पर ये पानी की बूंदे जो है या पानी के कण जो है वो फ्लो करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ पर कोई सेल या बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक, तो सेल या बैटरी का जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को धकेलेगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों से उल्टी क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तब क्या बनेगी, यहाँ पर विद्युत धारा बनेगी। तो बैटरी क्या करती है कि इन दोनों सिरों के बीच का जो विभव है उसमें अंतर पैदा कर देती है, उसको विभवांतर कहते हैं। ओके, विभवांतर के बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल मैं बात करता हूँ विद्युत धारा की। ओके, तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि किसी चालक में से अगर आवेश बहे तो क्या बनती है, विद्युत धारा बनती है। और विद्युत धारा की सही परिभाषा क्या है कि जिस रेट से, जिस दर से किसी चालक में विद्युत धारा बहती है तो आवेशों के बहने की जो दर है वो क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो यहां पर देखिए कि किसी चालक में से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसको कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर जो है वो क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। कि प्रति सेकंड कितने आवेश इसमें से बह रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा आवेश बह रहे हैं तो विद्युत धारा ज्यादा है, कम बह रहे हैं तो विद्युत धारा कम है। और विद्युत धारा का जो सूत्र है वो है सिंपल सा, प्रवाहित आवेश बटे में समय, प्रवाहित आवेश बटे समय। ओके, अब इसके बाद जो है विद्युत धारा को किस में मापते हैं, इसका मात्रक या इसकी इकाई जो है वो क्या है, एम्पियर है, एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और इसकी अन्य इकाइयां, अन्य मात्रक जो है वो क्या है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर है। मिली का अर्थ होता है 10^-3, मिली का मतलब क्या होता है 10^-3, और माइक्रो का अर्थ होता है 10^-6। मिली को सिंपल जो हमारा अंग्रेजी अल्फाबेट का लेटर एम होता है उसे डिनोट करते हैं, मिली का मतलब 10^-3 होता है, मिली एम्पियर तो 10^-3 एम्पियर। और माइक्रो को जो है ग्रीक भाषा का शब्द म्यू, क्या है ये म्यू, म्यू का मतलब, माइक्रो का मतलब होता है 10^-6, माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं। तो माइक्रो एम्पियर 10^-6 एम्पियर होता है, इसकी छोटी इकाइयां हैं। अब आगे आता है कि विद्युत धारा जो है उसको किस यंत्र से मापते हैं, जिस यंत्र से मापते हैं उसे हम एम मीटर कहते हैं। विद्युत धारा को जिस यंत्र से मापते हैं उसे हम एम मीटर कहते हैं। और एम मीटर जो है इसका सिंबल इस तरह से होता है, ए बीच में लिखा होता है। और आपने कई जगह जो अपने टीवी वगैरह के स्टेबलाइजर वगैरह हैं उनमें आपने देखा भी होगा कि एक इस तरह से घड़ी सी लगी होती है, एक सुई होती है, ठीक। तो ये दो तरह की आपने ये ऐसे मीटर देखे हैं जिसमें कईयों बीच में ए लिखा है, ए लिखा है वो तो एम मीटर होता है। और एक मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले लेक्चर में कि एक में वी लिखा होता बीच में, वो वोल्ट मीटर होता है। तो अभी हम बात करते हैं एम मीटर की, विद्युत धारा को आप किस में मापते हैं, एम मीटर नामक यंत्र से मापते हैं। इसकी इकाई मैंने क्या बताई, एम्पियर। सूत्र क्या है, प्रवाहित आवेश बटे। देखिए विद्युत धारा के बारे में अन्य बातें बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि विद्युत परिपथ क्या होता है।
विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में मान लीजिए कि हमारे पास ये एक बल्ब है, एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ मैं आपको, और ये इसका साथ एक बटन लगा हुआ जिसको कुंजी बोलते हैं, और ये यहाँ पर एक सेल लगा दिया, और ये विद्युत धारा को मापने के लिए हमने एक यंत्र एमीटर लगा दिया। तो इस तरह से कि एक ऐसा बंद पथ, एक ऐसा बंद पथ है जिसमें से विद्युत धारा बहे, ऐसा कि विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ है, कहते हैं। सतत का मतलब लगातार, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ओके ठीक, अगर आपने इसका बटन बंद कर दिया यानी अगर ऑफ स्विच ऑफ कर दिया तो ये यहां से पथ टूट जाता है और विद्युत धारा इसमें से नहीं बहेगी। ओके तो विद्युत परिपथ क्या होता है कि विद्युत धारा का सतत तथा बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। तो विद्युत परिपथ बताने के बाद मैं वापस वहीं आता हूं कि एमीटर, एमीटर जैसे हमें अभी हमने देखा क्या होता है कि विद्युत धारा को मापने का यंत्र होता है जो विद्युत परिपथ में कहां जोड़ा जाता है, श्रेणी में जोड़ा जाता है, इस तरह से सीरीज में जोड़ते हैं। ओके समझ गए बात को। अब विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा जो है, जैसे मान लीजिए किसी पथ किसी चालक में से इलेक्ट्रॉन बहने की दिशा ये है, तो इससे उल्टी दिशा जो है हम विद्युत धारा की दिशा मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों से उल्टी क्यों माने, इलेक्ट्रॉनों वाली मान लेते तो एक्चुअल में हुआ ये कि जैसे सबसे पहले विद्युत की जो परिघटना है यानी विद्युत का जैसे आविष्कार हुआ था, इसका सर्वप्रथम जो प्रेक्षण किया गया उस समय इलेक्ट्रॉनों की जानकारी नहीं थी। उस समय ये मानते थे कि पॉजिटिव आवेश या धन आवेश जिस दिशा में बहेगा वही विद्युत धारा की दिशा है। ओके वही क्या है, विद्युत धारा की दिशा है। तो इलेक्ट्रॉन इससे उल्टे चलेंगे तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के बहने की जो दिशा है उससे विपरीत दिशा में क्या बहेंगे, उससे विपरीत दिशा क्या होगी, विद्युत धारा की दिशा होगी। ओके तो जो भी अभी मैंने समझाया है उसका आप नोट्स तैयार कर ले, मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ जो मैंने अभी आपको समझाया है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि विद्युत धारा क्या है, किसी चालक में से आवेश के प्रवाह की दर जो विद्युत धारा कहलाती है, विद्युत धारा का सूत्र प्रवाहित आवेश बटे समय होता है, इसका मात्रक जो है वो क्या है, एम्पियर है, अन्य मात्रक जो है वो कौन से, मिली एम्पियर था, माइक्रो एम्पियर है, 10^-3 एम्पियर था, 10^-6 एम्पियर। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था विद्युत धारा को जिस यंत्र से मापा जाता है उस यंत्र को हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं, और एमीटर का प्रतिरोध कम होता है इसलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि एमीटर को कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, तो ये श्रेणी क्रम इसका आंसर होगा। और विद्युत धारा की दिशा कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने की दिशा की विपरीत दिशा जो है इसकी विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। ओके और विद्युत परिपथ क्या होता है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब यहां से एक चीज और रह गई थी लास्ट कि एक एम्पियर की परिभाषा लिखो, एक एम्पियर। अब देखिए कि विद्युत धारा का सूत्र क्या है, विद्युत धारा का सूत्र है आवेश बटे समय। तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी चालक में से एक कूलाम का आवेश एक सेकंड में बह रहा हो या प्रति सेकंड बह रहा हो तो उसमें बह रही विद्युत धारा का जो मान है वो क्या होगा, एक एम्पियर होगा। ठीक, तो सूत्र से ही आपको इकाई की परिभाषा लिखनी है, मात्रक की परिभाषा लिखनी है। ठीक, एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा के सूत्र से ही इसकी परिभाषा लिखी जाएगी कि यदि किसी चालक में से एक कूलाम का आवेश
प्रति सेकंड बह रहा हो तो उसमें से बह रही विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ओके, अब आगे इसी विद्युत धारा टॉपिक पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ, उसको एक मिनट में देख लेते हैं कि किसी विद्युत बल्ब के तंतों में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विद्युत धारा दी हुई है, I दी हुई 0.5 एम्पियर और दूसरा समय दिया हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट के सेकंड बना लीजिए, 10 गुना में 60 यानी 600 सेकंड का आपको समय दिया हुआ है। अब देखिए आपके पास मेन फार्मूला जो है वो क्या था, I बराबर Q बटे T, Q यहाँ पर आवेश है, T समय है। तो अब आप पूछा क्या गया है, यहाँ पर विद्युत आवेश पूछा गया है, तो आवेश क्यों निकालना, तो T को इधर I की तरफ ले जाए गुना कर दीजिए। तो एज वी नो हम जानते हैं कि Q बराबर I गुना T, I आपके पास है 0.5 एम्पियर और T कितना है 600 सेकंड, तो 0.5 को 600 से गुणा करेंगे तो 0.2010 × 600 कट गई। अब ये एम्पियर में, ये सेकंड में है, तो आवेश किस में होगा, कुलाम में, तो 6×5 = 30 और 1 0 और 300 कुलाम जो है वो आवेश इसका आ जाएगा। तो देखिए इसको लिखें कैसे, कि हमें दिया गया है जो चीज दी गई वो लिख लीजिए, उसके बाद ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों बराबर I × T फार्मूला लिख दीजिए, I और T की वैल्यू रख के इसको इस तरह से सॉल्व कर लें। ओके, अब आगे NCERT बुक में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि विद्युत परिपथ का अर्थ क्या होता है, ये हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि किसी विद्युत धारा के स्थिर तथा बंद पथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा यानी 1 एम्पियर की परिभाषा हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि 1 कूलम, अगर किसी चालक में से 1 कूलम का आवेश प्रति सेकंड बह रहा हो तो उसमें से बह रही विद्युत धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए, ये भी हम अभी लेक्चर में कर चुके थे कि 1.6×10⁻¹ कूलम जो है आवेश की रचना करेगा 1 इलेक्ट्रॉन और 1 कूलम आवेश की करेगा 1/1.6×10⁻¹ इलेक्ट्रॉन। जब हमने इसको सोल्व किया था तो ये वैल्यू आई थी कितनी, कि 6.24×10⁻¹ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम विद्युत विभव तथा विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा, इससे संबंधित सूत्र और उस पर आधारित जो है संख्यात्मक प्रश्न है उनको हल करेंगे। तो तब तक आप अपने नोट्स अपनी कॉपी में जरूर प्रिपेयर कर लें, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।